आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूंगी एक परवल की झाल जो सरसों डाल के चटपटा सा बनता है ना, वो सब्जी देखने में जितना सुंदर है खाने में उतना ही मज़ेदार लगता है। सबसे पहले हमने परवल को बहुत अच्छे से धो के, क्योंकि उसमें उसके ऊपर ना थोड़ा सा रुए रुए से होते हैं, अगर ताज़ा वाला होता है तो ये बिल्कुल नए नए उठे हैं अभी, बिल्कुल अभी शायद एक हफ्ते से ये बिल्कुल ताज़ा परवल आया। तो हमने ये लेके आए तो ऊपर काफ़ी रुए रुए से थे, बहुत अच्छे से धो के इसको फिर हम दो मुँह पहले काट लेंगे, उसके बाद दो साइड से हल्का हल्का छील लूँगी, ताकि जब हम फ्राई करें तो परवल सॉफ्ट रहे, अगर नहीं छीलेंगे थोड़ा सा कड़कपन ज़्यादा होती है। तो हम इसको दो साइड से एक एक बार छील लेंगे और बीच में से इसको कट लगा देंगे, तो दो टुकड़ा हो गया। ऐसे करके हमने सारा परवल को काट लिया है। अब हम इसको एक बोल में ले लेंगे, नमक, थोड़ा सा हल्दी, और इसको टेस्ट बढ़ाने के लिए हल्का सा चीनी डालूंगी, क्योंकि जब नए होते हैं तो उसमें स्वाद कम होता है, तो हल्का सा चीनी डाल के इसका टेस्ट हम खुद पूरा कर देंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करके एक साइड कर देंगे। अब हमने तेल डाला, तेल को जब अच्छे से गर्म हो गया उसके ऊपर डाल दिया हमने परवल। अभी काफ़ी सारा था तो वो दो तीन बार लगेगा, मैं आपको एक बार फ्राई करके दिखा दूँ, दोनों साइड एक एक बार करके हल्का हल्का ब्राउन हो जाए, ऐसा करके हमने फ्राई करके सारा उठा लेना है। देखो कितना अच्छे से ब्राउन हुआ ना, अभी ऐसे हमने सारा परवल को फ्राई कर लिया। अब हमने ले लिया हरी मिर्ची, हमने अपने अकॉर्डिंग लिया, आप अपने स्वाद अनुसार लेना जितना आपको खाने का मन करता है। थोड़ा सा एक अदरक टुकड़ा, थोड़ा सा जीरा, हल्का सा सरसों, हमने सारा सिलपट्टे में पीस लिया। आप मिक्सी में पीसे सिलपट्टे में जैसा आपका दिल करे, सिलपट्टे में क्या होता है थोड़ा टेस्ट और अच्छा होता है मुझे जितना लगता है, क्योंकि हम खाते हैं ना इसलिए हमें लगता है कि सिलपट्टे में पीसने के बाद सब्जी का टेस्ट और अच्छा होता है। अब हमने थोड़ा सा जीरा डाला और उसी मसाले को डाल दिया, डाल के गैस कम रख के भूनेंगे, क्योंकि सरसों है एकदम से जल जाएगा, तो गैस कम करके इसमें नमक हल्दी डाल के अच्छे से इसको पका लें, क्योंकि इसमें अदरक है, हरी मिर्ची भी है, तो उसका कच्चापन जाना चाहिए, कि सरसों उतना भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, जीरा भी, लेकिन जो अदरक और हरी मिर्ची है उसकी एक स्मेल सी होती है, वो जाना जरूरी है। अब हमने जितना परवल फ्राई करके रखा था वो सारा इस मसाले में डाल देंगे, और सबसे कम गैस जितना होता है उतने में करके दो से तीन मिनट के लिए इसको अच्छे से मिला के ढक देंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी मसाले के फ्लेवर है सारा चीज़ परवल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें खाने की स्वाद जो होता है ना वो और अच्छा लगेगा खाने में। अब इसको ढक देंगे पाँच मिनट के लिए, पाँच मिनट बाद इसको खोलेंगे, खोल के इसको फिर से चला के देखेंगे। हाँ अभी क्या है, ये सारा देखो मसाले और परवल सारा इकट्ठा हो गया ना, अभी इसमें डाल देंगे पानी। इसमें पानी वाला सब्जी नहीं है, ये हल्का ग्रेप थिक वाला होता है, ना पानी वाला ना सूखा वाला, ये थिक वाला होता है, इसलिए इसको कम पानी डाल के इसको अच्छे से बॉईल करेंगे, क्योंकि हमने फ्राई तो कर लिया था ब्राउन करने के लिए, लेकिन हमने अच्छे से पकाया नहीं था परवल को। परवल अगर फ्राई खाओ तो बहुत कम आँच पे उसको पकाना होता है, तो हमने वैसे पकाया नहीं था, तो हमने उसको धीमी गैस पे 10-15 मिनट और पका लिया। देखो सब्जी सच में इतना मज़ा आ गया था खा के, आप भी बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको मेरे रेसिपी देख के बना के खाने में पहले बार आपने बनाया तो कमेंट ज़रूर करना, हमें अच्छा लगेगा, आप बनाइएगा ज़रूर।